गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है बच्चों, तो दो पार्ट में हमें पढ़ना है। दोनों पार्ट में अलग अलग कहानी रहेगी। कहानी पढ़ने से पहले कुछ जानकारी दी हुई है, बिफोर यू रीड हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, सिंस द अर्लीएस्ट टाइम्स, बहुत पुराने समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग द स्काईज, मनुष्य का एक सपना था कि वो आसमान पर भी और विजय प्राप्त कर ले। तो हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में यहाँ दो कहानियाँ दी हुई हैं। और पहली जो कहानी है बच्चों, वो है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक युवा समुद्री पक्षी जिसे उड़ने में डर लगता है। हाउ डज ही कॉन्क्वेयर हिज फियर, वह अपने डर पर कैसे जीत हासिल करता है। अ पायलट इज, और जो दूसरा पार्ट है बच्चों उसमें क्या है, एक पायलट है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, और वो इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, और आसमान में क्या हो गया है, तूफान सा आ गया है, और वो उस तूफान में बादलों में कहीं खो गया है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह धरती पर सेफ सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। बच्चों, पहला पार्ट है, इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, लेज मतलब है पहाड़ से निकली चट्टान, सीगल मतलब समुद्री पक्षी। एक युवा समुद्री पक्षी पहाड़ से निकली चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे विद डे बिफोर, एक दिन पहले ही उसके दो भाई और एक बहन उस चट्टान से उड़ चुके थे, मतलब उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them, लेकिन उसे अपने भाई बहनों के साथ उड़ने में डर लग रहा था, इसलिए वो अभी भी चट्टान पर ही था। Somehow, किसी न किसी प्रकार से, when he had taken a little run forward, जब उसने आगे की ओर दौड़ने का प्रयास किया, to the brink of the ledge, और उस चट्टान के किनारे, brink मतलब किनारा, किनारे तक जब वो पहुंचा, attempted to flap his wings, he become afraid, जब उसने attempted कोशिश की फ्लैप पर फड़फड़ाने की अपने पंखों को, और जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया तो उसे डर लगा। The great expanse of sea stretched down beneath, क्योंकि उसके सामने बहुत गहरा विस्तार था, और किसका विस्तार था, समुद्र का। And it was such a long way down, miles down, और उसके सामने बहुत लंबा, मीलों मीलों तक केवल उसे समुद्र ही दिखाई दे रहा था। तो उसको समुद्र को देखकर उसे डर लग रहा था। He felt certain, और उसने निश्चित ये कर लिया कि his wings would never support him, कि उसके पंख जो हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे, और पंख उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो उड़ भी नहीं सकेगा। So he bent his head, इसलिए उसने अपने सिर को झुका लिया, and ran away back to the little hole under the ledge, और वो वापस से भाग करके उस चट्टान के नीचे जो छोटा सा स्थान बना हुआ था छिपने का, वेयर ही स्लेप्ड एट नाइट, जहाँ वो रात्रि को सोया भी था, वो इस स्थान की ओर वापस चला गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज, और यहाँ तक कि उसका प्रत्येक जो ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके जो भाई बहन थे, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, इस युवा सीगल से, पक्षी से भी छोटे छोटे पंख थे इसके भाई बहनों के, वो छोटे पंख होने के बावजूद रेन टू द ब्रिंक, किनारे की ओर भागते, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते, एंड फ्लू अवे, उड़ जाते। लेकिन ये छोटा जो सीगल था, ये समुद्री पक्षी था, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, और यह फेल हो गया, पराजित हो गया, असफल हो गया मस्टर अप जुटाने में, करेज मतलब साहस, टू टेक द दैट प्लंग दैट अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, तो वो अपना साहस जुटाने में असफल हो गया, साहस नहीं जुटा पा रहा था। किस चीज़ का साहस, कि वो भी एक प्लंग, एक गोता लगा दे, एक डुबकी लगा दे, विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, और उसके सामने और इतना समुद्र है, लेकिन उसको क्या करना है, उस चट्टान से उड़ करके जाना है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, और इसी बात को सोच कर वो डेस्परेट, निराश हो रहा था।
हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके माता पिता उसके आसपास आए और आसपास आकर कॉलिंग टू हिम श्रीली और उसे तेज कर्कश आवाज़ में पुकारने लगे, अपब्रेडिंग हिम उसे डांटने लगे और थ्रेटनिंग हिम उसे चेतावनी देने लगे टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि इसी चट्टान के किनारे पर बैठे रहकर तुम क्या करना, भूखो मरना अनलेस यू फ्लू अवे, तब तक तुम उड़ोगे नहीं यहाँ से, तब तक खाने को भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम्हें अपना जीवन बचाना है तो उड़ना ही पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे मरने का डर था कि अगर मैं यहाँ से उड़ने का प्रयास करूँगा तो नीचे गिर जाऊँगा, और इसी कारण से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। That was 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात है। Since then, तब से nobody had come near him, 24 घंटे पहले माता पिता भाई बहन सब मंडरा रहे थे आसपास, अब उसके पास कोई नहीं आ रहा है, वो अकेला है। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, उसने देखा पूरा दिन उसके माता पिता अपने उसके दोनों भाइयों और बहन के साथ आसमान में उड़ रहे थे, और माता पिता परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, माता पिता सिखा रहे थे कि लहरों के ऊपर किस प्रकार से तैरा जाता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली प्राप्त करने के लिए समुद्र में कैसे गोता लगाया जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, इनफैक्ट वास्तव में उसने देखा कि किस प्रकार से उसके बड़े भाई ने अपना पहला शिकार पकड़ लिया, हेरिंग है हिलसा मछली, और उसने अपनी मछली को पकड़ लिया और डेवोर इट, और उसे लालच से खाने लगा, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़ा होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, और अपने बच्चे की पहली सफलता पर उसके जो माता पिता थे वो उसको घेर करके आसमान में खड़े हो गए और क्या करने लगे, अपने सिर को उठाकर प्राउड गर्व से केकल, और उसको कहने लगे के की आवाज़ करके और उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, और फिर क्या किया, पूरी सुबह जो पूरा परिवार था, माता पिता दो बेटे और एक बहन, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो एक बड़े पठार पर इकट्ठे हो गए, मिडवे डाउन जो बीच में था, समुद्र के बीच में एक पठार था, और वो पठार कहाँ था, द अपोजिट क्लिफ, चट्टान के बिल्कुल सामने की ओर था, और वो सारे का सारे परिवार मिलकर उसको टॉन्टिंग हिम, उसे ताने मार रहा था, किसके लिए, उसकी कोवर्डाइज के लिए, उसकी कायरता के लिए, तुम कितने कायर हो, तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो, ऐसा सब उसको बोल रहे हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूर्य था वो आसमान में चढ़ रहा था धीरे धीरे, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जो सूर्य था वो उस चट्टान पर भी चमक रहा था, दैट फेस द साउथ, और वो चट्टान का जो मुंह था वो दक्षिण दिशा की ओर था। ही फेल्ट द हीट, अब उसे भी उस चट्टान पर गर्मी लगने लगी, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली, धीरे से उसने कदम आगे बढ़ाया, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और उसी चट्टान के किनारे से उसने अपने एक पैर को आगे बढ़ाया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, वह एक टांग पे खड़ा हो गया और दूसरी टांग को उसने अपने पंखों के बीच छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर उसके बाद उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली। इस प्रकार से देखिए ये पक्षी और सब उड़ गए हैं, केवल वो यंग सीगल जो है वो वहाँ बैठा हुआ है। फिर क्या हुआ, उसने फिर प्रिटेंडेड बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग अस्लिप, जैसे वो सोया हुआ हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स सन्क इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी जो बहन है लाइंग ऑन द प्लेट्यू, वो पठार के ऊपर लेटे हुए हैं, डोजिंग ऊँग रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं, विद देयर हेड्स सन्क, उन्होंने अपने सिर को छिपा लिया है, इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन के अंदर। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी हैं वो प्रीनिंग संवार रहे हैं अपने पंखों को, ऑफ ऑन हिज वाइट बैक, उनका जो
पिछला हिस्सा है वो सफ़ेद रंग का है और अपने पंखों को अपने मुंह की चोंच से वो संवार रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, शी वॉज स्टैंडिंग, जो माँ थी वो खड़ी हुई थी ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, पठार के ऊपर निकले हुए हिस्से पर वो बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और माँ का जो सफ़ेद कलर का सीना जो था वो बाहर की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, और बार बार, शी टोर एट द पीस ऑफ फिश, वो मछली के टुकड़े को तोड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो मछली का टुकड़ा उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, फिर क्या करती वो अपनी चोंच को और चट्टान से रगड़ने लगती। बार बार अपना शिकार का वो जो मछली का टुकड़ा था उसको खाती और उसके बाद अपनी चोंच को चट्टान से रगड़ने लगती। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और खाने के दृश्य को देखकर जो यंग सीगल था वो बिल्कुल पागल सा हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस प्रकार से, और खाने को टीयर करना, फाड़ना, उसे कितना पसंद आता कि वो भी अपनी चोंच से उस खाने को फाड़ फाड़ कर खाता। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, और वो भी और अपनी चोंच को और स्क्रैप करता और वहाँ पर रगड़ता उस चट्टान से। एंड अगेन टू वेट इट, और उसको क्या करता, वेट करता मतलब उस पर धार लगाता, तेज कर लेता चोंच को। गे 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और गे 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 साउंड के साथ ही क्राइड वो चिल्लाया, बेगिंग निवेदन करने लगा अपनी माँ से कि माँ मुझे भी थोड़ा भोजन दीजिए। तो माँ ने रिप्लाई में कहा, गाओ को लहा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और बहुत ही इन अ मैनर ऑफ शोइंग समवन दैट ही इज और शी इज स्टूपिड, और अपने आप को स्टूपिड पागल सा घोषित करते हुए माँ भी और उसके ऊपर वापस चिल्लाई, क्या चिल्लाई, गाओ कोल है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन जो बेचारा कौन था, जो सीगल था, वो क्या करने लगा, वो अपने आप को पागल सा महसूस करते हुआ वो भी अपनी माँ को पुकारने लगा। एंड आफ्टर अ मिनट, थोड़ी देर बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर बाद वो खुशी से चीखने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, और उसकी माँ, क्यों चीखा वो खुशी से, क्योंकि उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेकर और उसके आसपास मंडराने लगी। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके आसपास जब मंडरा रही थी तो वो जो सीगल था ही लीन्ड आउट, वो भी झुकने का प्रयास करता है। देखिए चित्र में बच्चों किस प्रकार से माँ भोजन चोंच में लेकर उसके पास आई है, और उससे माँ चाहती है कि मेरा बच्चा यहाँ से उड़े इस चट्टान से। फिर क्या होता है बच्चों, ही लीन्ड आउट ईगरली, उत्सुकता से वो भी आगे की ओर झुकता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों को पटकने लगता है चट्टान पर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपनी माँ के पास जाने का प्रयास करता है। एज शी फ्लू अक्रॉस, जब वह आगे की ओर बढ़ती है। बट वैन, लेकिन जब शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, माँ जो बिल्कुल उसके सामने हैं, शी हॉल्टेड, माँ थोड़ी रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, माँ के जो पंख हैं वो गतिहीन हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक बीक द पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा होता है जो माँ की चोंच के अंदर होता है, वो ऐसा लगता है बिल्कुल उस सीगल की पहुँच में आने वाला है, मतलब वो पकड़ के लेगा उस मछली के टुकड़े को। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्य से एक क्षण इंतजार करता है। वॉन्डरिंग, उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वाई शी डिड नॉट कम नियर, के माँ और पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तभी, मेडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होता हुआ, ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली की ओर गोते लगाने लगता है। देन अ लाउड स्क्रीम, और तब एक जोरदार चीख आती है। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउटवर्ड्स इन टू स्पेस, वो उस चट्टान से आगे खिसक जाता है और फिर वो कभी बाहर की ओर कभी अंदर की ओर अंतरिक्ष में झूले खाने लगता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तब उसे एक भयानक सा डर उसके मन में बैठ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय है और वो भी और जोर जोर से क्या होने लगता है, बिल्कुल मतलब उसका हृदय जैसे रुक सा गया हो ऐसा महसूस करता है। कि कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ऐसा एक मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर फैले हुए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और उस जो हवा है वो तेज गति से जा रही है, कहाँ जा रही है,
उसके ब्रेस्ट, उसके सीने में और फिर पंखों में, देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट में, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों को काटती हुई आवाज़ आ रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर सकता था कि उसके जो पंखों के और जो किनारे हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल वहाँ से नहीं गिर रहा था, उसका मतलब वो उड़ने लगा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो ऊंची उड़ान भरने लगता है, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कभी बाहर की ओर कभी अंदर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने एक बार फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर उसने आगे की ओर उड़ान भरी। गे 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 गाओ कोलह, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माने भी पीछे से उसकी ओर चपट्टा मारा। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और माँ के पंख भी जोरदार शोर के साथ फड़फड़ा रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, फिर से चीखता हुआ और अपनी माँ की बात का वो प्रतिउत्तर देने लगता है। सीगल, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी पिताजी भी चीखते हुए उसकी ओर आते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स, वो अपने दोनों भाइयों को देखता है, हिज सिस्टर और अपनी बहन को देखता है, फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो भाई बहन भी उसके आसपास ही उड़ रहे हैं। करवेटिंग मतलब घुमावदार चक्कर काट रहे हैं। बैंकिंग क्या कर रहे हैं, और फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख को ऊंचा और एक पंख को नीचा करते हुए उड़ रहे हैं। सोरिंग ऊंची उड़ान भर रहे हैं, और डाइविंग गोते लगा रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, तब वो पूरी तरह से भूल गया कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी वो उड़ नहीं सकता था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप की सराहना की, टू डाइव, के मैं भी गोता लगाऊं और मैं भी सोर, मैं भी आसमान में ऊंची उड़ान भरूं, मैं भी कर्व करूं, घुमावदार कटिंग लूं, श्रीकिंग श्रीली, और मैं तेज गति से और गले से आवाज़ें निकालूं। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास आ गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशन, और पूरे महासागर को का वो सामना कर रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी, उसने अपने सामने विशाल हरे रंग का समुद्र देखा, बीनीथ हिम, जो उसके नीचे फैला हुआ था। विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, रिजेज मतलब लहरें, और उस समुद्र पर और लहरें आ रही थी जा रही थी। एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को एक बगल में घुमाया, एंड काउड अम्यूजिडली मतलब प्रसन्नता से वो काऊ काऊ की आवाज़ निकालने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता और उसके भाई बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उनके सामने जो समुद्र का ये हरे रंग का फर्श फैला हुआ था, उस फर्श के ऊपर, उस पानी के ऊपर वो उतर गए और उसमें तैरने लगे। दे वर बैकनिंग टू हिम, अब इस समुद्री पक्षी को भी ये सारे पुकार रहे थे, कॉलिंग श्रीली, तेज तीव्र आवाज़ के साथ पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो इस यंग सीगल ने भी अपने पैरों को उस हरे समुद्र पर रखने का प्रयास किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसकी जो टांगें थी वो समुद्र में डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर से वो चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हर हिज विंग्स, और फिर से उसने कोशिश की, राइज अगेन फ्लैपिंग हर हिज विंग्स, उसने वापस से अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की और अपने आप को पानी से ऊपर उठाने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, भूख के कारण वो कमज़ोर था। ही कुड नॉट राइज, और वह अपने पैरों को ऊँचा नहीं उठा सका, एक्सहॉस्टेड, क्योंकि वो क्या था उस समय, थका हुआ था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वह अजीब अजीब प्रकार की जो इतने समय से हरकतें कर रहा था उड़ने के लिए, तो उन सब प्रक्रियाओं से वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके जो पैर थे वो उस हरे समुद्र में डूब चुके थे। देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका पेट आ गया और पेट ने उस समुद्र के पानी को छुआ, एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो पानी के नीचे नहीं डूब रहा था, वो पानी की सतह पर पेट अड़ने से वो पानी की सतह पर ठहर गया था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो पानी पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके साथ साथ भी उसका जो परिवार था वो भी चीख रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो पेरेंट्स थे, जो
क्या कर रहे थे, उसके परिवार के सदस्य, उसके माता पिता और उसके भाई बहन, वो सब स्क्रीमिंग चीख रहे थे, प्रेजिंग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और उनकी चोंचें जो थी वो ऑफर कर रही थी, उसको प्रदान कर रही थी कि आओ हमारे साथ भोजन करो। और उन सबके मुंह में डॉग फिश, कुत्ता मछली के स्क्रैप्स टुकड़े थे जो उसको उसको भी भोजन करवाना वो चाहते थे। तो इस प्रकार से बच्चों, ही हैड मेड इज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान उड़ी। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप सबको ही इसी प्रकार हौसलों की उड़ान बनाए रखनी है और उड़ने का प्रयास